अंजी एक बात बताओ, यहाँ पे एक महीने पहले फाउंटेन लगने वाला था, वो अभी तक लगा क्यों नहीं? मैम अभी काम चल रहा है, बस 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इतनी गंदगी क्यों है? यहाँ पे आने वाली आम जनता को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। एक मिनट, यहाँ किसी के रोने की आवाज आ रही है। मैडम वो देखिए, वो लड़का बहुत तेजी से रो रहा है। हमें चल के देखना चाहिए कि वो क्यों रो रहा है। अरे मैडम ऐसे तो बहुत से लोग रोते हैं, आप किस किस को देखेंगी? अभी हमें मीटिंग से देर हुई है, हम चलते हैं। देखिए ये हमारी जॉब है कि आम आदमी की हेल्प करें। चलिए चलकर देखते हैं। जी मैडम। अरे क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हैं? अरे रोई ना मैडम, तो क्या करी? मतलब क्या हुआ है आपके साथ? हम एक लाचार और बेबस बाप हैं, हमारे पास का कोई भी तक का पैसा ना है। अरे आप इतना तो कमाते होंगे ना कि इस बच्चे को दूध पिला सके, कि आप इतना भी नहीं कमाते? अरे मैडम हम कमावा तो बहुत रहा है, एक दिन यहाँ पुलिस वाला आवा और हमका बहुत मारी, हमारे सारे पैसा छीन लगा हुआ, और हमसे यू भी कह कि अगर तुम यहाँ दुकान लगाए तो तुमका जेल में डाल दीगो। पुलिस वाला, पुलिस वाले ने क्या किया है आपके साथ? हाँ मैडम हम तुमका सब कुछ बताओ। ना इस जगह पे दुकान नहीं लगानी है, अगर इस जगह पे दुकान लगानी है तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। टाइम मेरे पास है। 5,000 रुपया? अरे साहब 5,000 रुपए कहाँ से लेगो, वैसे भी हम बहुत गरीब आदमी हैं और हमारी बीवी का देहांत भी हुई गवाह है और बच्चे हम पाल रहे हैं, पाल पोस के दुकान लगाई खर्चा चला रहे हैं। अगर हम 5,000 रुपया तुमका दे दी वो तो कहाँ से पैसा, हम कुछ जोड़ी नहीं पे साहब, बहुत गरीब आदमी है, पैसा वैसा ना ले हमसे साहब। देख भाई तेरी बीबी का देहांत हो गया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और तेरा बच्चा जिए या मरे मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है, मुझे 5,000 रुपए से मतलब है। अगर 5,000 रुपए नहीं मिले तो तेरी जितनी भी रेणिया है ना सब उठाकर फेंक दूंगा, तेरे को मार मार के भूता बना दूंगा। नहीं साहब ऐसा ना करो, यही हमारी रोजी रोटी है, हम 5,000 रुपए कहाँ से लेगो साहब, हमका छोड़ दो। बार बार नहीं मत बोलो हमसे, मुझे गुस्सा आ रही है। अब कल तक मुझे 5,000 रुपए नहीं मिले तो तू और तेरी दुकान दोनों में आग लगा दूंगा, और आज कोई कमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं साहब ये 20 रुपया यही लिए रखे रहे हैं बच्चे दूध पिलाई पे, और अगर आप ले लिए तो हम बच्चे दूध कैसे पिएंगे? दूध पिलाना है बच्चे को तो कहीं और से पिला देना, कम से कम 5 पुड़िया खाने के तो पैसे होने चाहिए मेरे पास। और हाँ कल तो 5,000 रुपए नहीं मिले तो तू यहाँ दुकान लगाते हो दिख मत जाना दोबारा। अरे नहीं साहब पैसा हमारे। ओए चुप बैठ साहब, साहब पैसा दे दो हमारे साहब। अच्छा अंशी मुझे लगता है ये वही पुलिस वाला है जिसकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नाम क्या है और उसकी पोस्टिंग कहाँ है? हाँ मैडम उसका नाम बनी सिंह है और वो PGI में ड्यूटी करता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कल से आप अपनी दुकान वहीं लगाइए, मैं उस पुलिस वाले से मिलके आती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, अभी अभी यहाँ से एक बाइक वाला मेरा मोबाइल चोरी करके ले गया। अगर बाइक वाला आपका फोन लेकर भाग गया है तो उसमें हम क्या करें, जाकर थाने में कंप्लेन लिखवाइए ना। साहब आप थाने का एड्रेस बताइए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। अरे मैम पागल अगल हो गई हो क्या, हम तुम्हें थाने का एड्रेस क्यों बताएंगे, हम क्या तुम्हारी गुलामी करने के लिए खड़े हैं? जाकर खुद पता करो थाने का एड्रेस। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ करिए, मैंने बहुत मुश्किल से फोन खरीदा था, आप तो पुलिस वाले हैं ना। अरे मैम आपको समझ में नहीं आता क्या, वैसे आपका फोन था कितने का? 2-4 हज़ार रुपए का ना, अगर मैं थाने में कंप्लेन लिखूंगा ना तो 5,000 रुपए सिर्फ घूस लूंगा, है तुम्हारे पास 5,000 रुपए? पर कमीशन किस चीज की, आप तो पुलिस वाले हैं ना, FIR तो फ्री में लिखी जाती है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, कंप्लेन फ्री में लिखी जाती है, लेकिन मैं कंप्लेन लिखने के 5,000 रुपए घूस लेता हूँ, क्या है आपके पास 5,000 रुपए? 5,000 तो आपको मिल जाएंगे, और कुछ चाहिए? अरे मैडम ये क्या कर रही हो आप, और अब हो कौन? मैं बताता हूँ अभी। अरे मैडम ये चल क्या रहा है, और आप दोनों कौन हो? ये यहाँ की जिलाधिकारी प्रांसी पांडे जी हैं। जिलाधिकारी जाहिन मैडम, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए मैडम, जो भी गलती हुई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए तुमको, सरकार तुम्हें पैसे इसलिए देती है ताकि तुम आम आदमी की सेवा कर सको, और तुम लोगों को परेशान और उनसे घूस लेते हो, और हाँ तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, ये सब तुमने गलती से नहीं जानबूझ के किया है। अभी मैं SP साहब को कॉल करके तुम्हें सस्पेंड कराती हूँ। अरे मैडम हमें सस्पेंड मत कीजिए, अगर आपने हमें सस्पेंड कर दिया तो हम रोड पे आ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने हमें सस्पेंड कर दिया तो वो भूखे मर जाएंगे। मैडम प्लीज ऐसा मत करिए मैडम। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें पुलिस ऑफिसर कहते हुए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। SP साहब को फोन लगाइए। हेलो SP साहब, मैं जिला अधिकारी प्रांशी पांडे बोल रही हूँ, आपके एरिया में इंस्पेक्टर बनी सिंह, मैंने उसको अभी अभी घूस लेते हुए पकड़ा है, आप उसको अभी के अभी सस्पेंड कीजिए। जी।